Good morning everyone. Once again, this is a part 2 of the chapter. So, start करने से पहले मैं फिर से request करना चाहूँगी आप लोगों से. आप लोगों को पता है देश भर में कोरोना का कैसा संक्रमण हो रहा है, तो घर पे रहिए, stay home, stay safe, wash your hand, use sanitizer और mask जरूर use करें. बिना mask के ना निकलें. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो पार्ट वन था उसमें चार टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. तो हम पढ़ेंगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल के बारे में. ह्यूमन कैपिटल हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग सब बुक से रेफर कर रहे हैं. मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, चीजें इजी करने के लिए मैं बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, ताकि आप लोगों को उसकी हिंदी समझ में आए और आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए. तो आज हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर. लैंड इज फिक्स्ड. अब ये तो पता होगा, लैंड तो फिक्स रहता है, लैंड को तो हम हिला डुला नहीं सकते हैं, राइट? तो पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड है, और लैंड क्या है? फिक्स्ड है, राइट? फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर. पहले ही हमने देखा था कि पालमपुर का, जब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो उसमें था कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर का, बाकी सब छोटे छोटे एक्टिविटीज भी वहां पे होते हैं, जैसे डेयरी था, ट्रांसपोर्ट था, छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया. 75% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. मतलब अपनी जीवन यापन करने के लिए 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है पालमपुर में. वैसे भी इंडिया में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है. दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर. द वेल बींग ऑफ दीज पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म. बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. ठीक है, सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन विलेज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. अब देखिए, हम बोल रहे हैं लैंड फिक्स्ड है. ठीक है, किसी एरिया में, सपोज पालमपुर ही है, पालमपुर में अगर सपोज 75 हेक्टेयर का लैंड है, जो बहुत कम है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, तो क्या पालमपुर विलेज में 75 से 100 हेक्टेयर लैंड कन्वर्ट हो सकता है? आपके पास अगर 4 एकड़ लैंड है तो क्या आप उसको 4 से 6 कर सकते हैं? उस लैंड को क्या आप 4 से 6 कर सकते हैं? आप जमीन जरूर खरीद सकते हैं 2 एकड़ एक्स्ट्रा, बट क्या आप उस लैंड को 4 से 6 कर सकते हैं? नहीं. इसलिए हम बोलते हैं लैंड तो फिक्स है. हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर 75 हेक्टेयर लैंड मेरा कल्टिवेबल लैंड है और 25 हेक्टेयर लैंड मेरा कल्टिवेबल नहीं है, तो हम इसको फार्मिंग के लायक बना सकते हैं. वी कैन टर्न दिस 25 हेक्टेयर इनटू कल्टिवेबल लैंड, राइट? इसीलिए फिक्स्ड लैंड को किस तरीके से यूज करना है और कैसे यूज करना है ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल? पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज कल्टिवेबल इन पालमपुर. ठीक है, पालमपुर में लेकिन सारे लैंड जो है वो कल्टिवेबल है, मतलब सब उपजाऊ है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन
During the rainy season, Kharif farmer grow jawar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December, and in the winter season, rabi field are sown with wheat. अब वो लोग पालमपुर में कैसे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फिक्स लैंड को? समर में खरीफ, जो मिड सीजन होता है समर और विंटर के, उसमें पोटैटो, और विंटर में रबी. मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उपजा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वी कैन से दैट प्रोडक्शन इज एट बेस्ट, राइट? क्योंकि उतने ही सही एरिया में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके का अनाज उपजा रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमने समय में खरीफ उपजा दिया फिर वो लैंड बैरन हो गया, ऐसा नहीं है. हम समय में खरीफ उपजा रहे हैं फिर खरीफ कट रहा है तो हम पोटैटो उपजा रहे हैं, पोटैटो के साथ हम आपके बुक में क्या है, पोटैटो के साथ हम एडिशनल पोटैटो, यस, पोटैटो उपजा रहे हैं, पोटैटो के बाद हम रवि उपजा रहे हैं. तो वी आर यूटिलाइजिंग द लैंड एट इट्स बेस्ट. नाउ फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप एनफ वीट for the family consumption and sell surplus wheat at the market at Raigan. अब Raigan क्योंकि nearest market था तो लोग अपने खाने के लिए wheat रखते हैं, जो extra होता है उसको बेच देते हैं और उससे पैसे उनको मिल जाता है. A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. Sugar cane is a raw form or as jaggery is sold to trader in Sahpur. अब वो बोल रहा है कि एक बार पूरे ईयर में शुगर केन भी वहां पे होता है. राइट? अब वो शुगर केन को या तो फिर प्रोसेस करके गुड़ बना के उसको शाहपुर अगल बगल का मार्केट है उसमें बेच देते हैं. द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो three different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation. अब है कि ये सब उपजाऊ तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है? क्योंकि irrigation facility अच्छा है. अगर irrigation facility ही नहीं हो, पानी ही अच्छे से अवेलेबल ना हो, तो ये सब चीज क्या उपज पाएगा पूरे साल? नहीं. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, ये भी एक इसका बेनिफिट है. हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में कि पालमपुर एक विकसित गांव है तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पहले आ गया. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन. पर्शियन व्हील वेयर टिल देन यूज बाई द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेटेड टू इरीगेट स्मॉल फार्म. बहुत पहले ऐसा होता था कि पर्शियन व्हील होता था, उससे पानी खींच के और लोग डाला करते थे अपने खेतों में. बट अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब तो इंडिया में हर एक गांव में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रैन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. अब ये जो कंसेप्ट है एक लैंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर गुड्स, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं. ठीक है? मतलब नॉट सिंगल क्रॉपिंग. सपोज अगर ये लैंड होता और हम सिर्फ खरीफ उगाते तो उसको सिंगल क्रॉपिंग बोलते हैं, लेकिन हम लैंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगा रहे हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं. इट इज अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ given piece of land. All farmer in Palampur grows at least two main crop
Many are growing potatoes as a third crop in the past 15 to 20 years. अब देखिए चित्र में लिया हुआ है, there is a picture where it's given wheat, बाजरा, sugar cane, potato. तो ये सब जो था ये बेसिक क्रॉप वहां पे लोग उपजाए करते हैं. Let's discuss. The following table well shows the land under cultivation in India in unit of million hectare. Plot this on the graph provided. What does the graph shows? अब हम देखेंगे उस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है. मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि 1950 में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो 120 था, ईयर 1920 में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो 130 था, ईयर 1970 में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो 140 था, 1980 में 140 था, 1990 में 140 था, 2000 में 140 था. ग्राफ है. इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई इम्पोर्टेंट है, क्यों है, ये आपको आगे बताऊंगी. We have read about the crop grown in Balampur. Fill the following table based on information on the crop grown in your region. ये सब आप देख लीजिएगा, अपने region में क्या क्या crop उपजा सकते हैं, उपजाते हैं, वो आपका lesson है, वो आपको खुद करना है. You have seen the one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हमें पता है कि हमें production कैसे बढ़ाना है land का, multiple cropping करके. अब है कि हम जैसे कि देखिए 1950 में कुछ कम था लाइक कल्टीवेबल लैंड, फिर 1960 में बढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि वो 75 को 100 बन गया, मतलब वो 75 हेक्टेयर जो था उसको हमने 100 हेक्टेयर बनाया. क्या है कि जो बैरन लैंड था, जो यूजेबल लैंड नहीं था, जहां पे खेती नहीं हो सकती थी, उसको भी खेती के लायक बनाया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो एग्रीकल्चर लैंड हो गया. आप लैंड फिक्स लैंड को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ऐसे लैंड है जहाँ पे जो उपजाऊ नहीं है आप उसमें खेती कर सकते हैं, उसको उपजाऊ लायक बना सकते हैं. You have seen the one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way to use modern farming method for high yield. The other way is to use modern farming method. अब एक तो हमने देख लिया कि multiple cropping करना है. दूसरा है multiple cropping. दूसरा है फार्मिंग टेक्निक. टेक्निक्स ठीक है, मेथड और टेक्निक. यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्ट ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन टिल द मिड 1960s. द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वेर ट्रेडिशनल वन with a relatively low yield. Traditional seeds needed less irrigation. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were rapidly available with the farmer who did not have to buy them. ठीक है, पहले क्या होता था कि farming techniques क्या क्या थे, बीज खरीदते थे हम, right? उसके बाद जो गोबर का dung होता है, जो cow dung होता है, जिसको गोबर बोलते हैं, तो वो तो घर पे अवेलेबल हुआ करता था क्योंकि सबके पास गाय भैंस है. हम उसको लेके एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे और जमीन पे डाल देते थे, जो कि बहुत बेसिक है क्योंकि पहले हमारे पास इतने ज्यादा टेक्निक्स डेवलप नहीं थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर नहीं थे, तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था. लेकिन अब के डेट में मॉडर्न टेक्निक यूज करके प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. Compared to the traditional seeds, the H5V promised to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grain than was possible earlier. HYV seeds, however,
needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result. Higher yield where possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer and pesticides. अब बोल रहा है कि after 1960s के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया है तब से फार्मिंग जो फार्मिंग टेक्निक है बहुत चेंज हो गया है. हम HYV सीड्स यूज करते हैं, उसके अलावा हम डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड यूज करते हैं. तो उससे क्या हुआ, जो आपका यार्ड था, जो आपका प्रोडक्शन था क्रॉप का, वो बहुत बढ़ गया. तो आज के डेट में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ हमें HYV सीड्स इम्पोर्टेंट है, उसके साथ हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल्स चाहिए एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए. अगर ये सब कुछ है तो हम बेहतर तरीके से क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं. फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर विच मेड प्लॉगिंग and harvesting faster. These were regarded as high-yield variety, high-yield of wheat. मतलब wheat का high-yield के लिए UP, पंजाब और हरियाणा में जो farmers थे उन्होंने ये technique अपनाया. मतलब उन्होंने अपने खेत में HYV seed का use किया, pesticide, chemicals, irrigation facility उन्होंने tubewell से किया, ठीक है. इस सब को use करके उन्होंने अपना yield बढ़ाया. उसके अलावा यील्ड बढ़ाने के अलावा उन्होंने ट्रैक्टर यूज किया ताकि अच्छे से खेत को जोता जा सके. हार्वेस्टिंग टेक्निक जो था वो अच्छा यूज किया उन्होंने, इसलिए उनको रिवॉर्ड में हाई यील्ड ऑफ वीट मिला. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर. With the HYV seed, the yield went to 32 kg per hectare. मतलब पालमपुर में without HYV seed जो था वो yield था वो 1300 kg per hectare था. After using HYV seeds वो 1320 kg per hectare हो गया. मतलब HYV सीड्स काम करता है, राइट. देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. फार्मर नाउ हैड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. अब लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक. आपको बता दिया है मैंने. नेक्स्ट में हम देखेंगे विल द लैंड सस्टेन. आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे. थैंक यू सो मच.